हाई एंड वेलकम टू 5 मिनट फ्राइडेज। इस वीडियो के अंदर IAS 16 का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, कोई 5 मिनट के अंदर। मैं हूं CA गौरव सबरवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए शुरू करते हैं। चलें तो मेरे 5 मिनट शुरू करने से पहले मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता दूं, हर फ्राइडे को हम 5 मिनट के अंदर कोई अकेडमिक टॉपिक को कवर करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मेरे 5 मिनट शुरू होते हैं। अब इस IAS के अंदर हम बात करने वाले हैं टैंजिबल एसेट्स, जो एक एंटिटी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा देर के लिए होल्ड करती है। और ये होल्ड करने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि वो असेट इसलिए होल्ड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर सके, या फिर वो उस असेट को रेंट पे दे सके आगे, या फिर तीसरा रीजन वो उसे होल्ड करें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो इसके लिए 2 बातें, पहली कि ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, और दूसरा ये कि इस नॉन करंट असेट का कॉस्ट रिलायबली मेजर किया जा सके। Which brings to my next point, measurement. Initially, जब भी आप non-current asset को purchase करते हैं, तो उसे value किया जाता है cost. तो हम start करते हैं भी purchase price से, और हम तब तक की cost include करते हैं जब तक कि वो asset working condition में नहीं आ जाता, यानी कि cost attributable to the asset. Next हम add करते हैं borrowing cost. कई बार ऐसा होता है कि asset को acquire करने के लिए loan लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम qualifying asset की बात कर रहे हैं। Qualifying asset का मतलब वो asset जिसे बनाने में substantially long period लगता है, काफी समय लगता है, जैसे कि building. जैसे ही building का construction शुरू हुआ तो बोरोइंग पे जो भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा, और उसका सीजेशन यानी कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब सब्सटेंशियली कंप्लीट होगा या फिर सस्पेंड हो जाएगा, तब तक का इंटरेस्ट हम कॉस्ट के अंदर ऐड करते रहे। कई बार लोन का अमाउंट हमारे पास आ तो जाता है मगर एक साथ सारा पैसा खर्च नहीं होता, और इसलिए कई बार इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जाता है वो अमाउंट। और अगर इन्वेस्टमेंट से कोई भी इंटरेस्ट हमको रिसीव हो रहा है तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से आप माइनस करेंगे, और फिर जो अमाउंट आएगा केवल उसी को आप कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगली कॉस्ट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट या फिर रेस्टोरेशन कॉस्ट। कई बार ऐसे असेट होते हैं जिनकी लाइफ खत्म होने पे उन्हें डिसमेंटल करने में या फिर साइट को रिस्टोर करना यानी कि पहले जैसी पोजीशन में लेकर आने पे काफी तगड़ा खर्चा होता है। इस खर्चे को भी हम कैपिटलाइज करते हैं। ये खर्चा तब होगा जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए। इसमें हम ऑयल रिग का एग्जांपल ले सकते हैं, और ऐसे खर्चे को प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर हम ऐड कर देते हैं नॉन करंट एसेट की कॉस्ट के। इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट का भी एलिमेंट होता है जिसे हमको रिकॉर्ड करना होता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या उसे भी हम कैपिटलाइज करेंगे? तो इसके लिए 3 बातें कही गई। पहली बात यह है कि क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हुए हैं उस नॉन करंट एसेट से मिलने वाले, और इंक्रीज भी कैसे सब्सटेंशियली। इसके कुछ एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कम समय में काम हो रहा है, या प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो गया, या फिर उस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो सब्सटेंशियली बढ़ गई। दूसरी बात है उसमें मेजर ओवरहॉल या मेजर इंस्पेक्शन के कुछ खर्चे आ रहे हैं। लेट्स से कि एक शिप का ओवरहॉल या मेजर इंस्पेक्शन किया जाना कंपलसरी है हर 5 साल के अंदर। इस ओवरऑल के खर्चे को एक सेपरेट नॉन करंट असेट की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसकी यूजफुल लाइफ होती है अगले 5 साल के लिए इस एग्जांपल में, और इसीलिए इसको एक सेपरेट असेट की तरह डेप्रिसिएट भी अगले 5 साल तक किया जाएगा। और तीसरी बात आती है कॉम्प्लेक्स एसेट। कई बार कॉम्प्लेक्स एसेट के अंदर कॉम्पोनेंट रिप्लेस करना पड़ता है। जब भी हम उस कॉम्पोनेंट को रिप्लेस करते हैं तो पुराने कॉम्पोनेंट को हमें डीरेकोगनाइज करना होता है, और नए कॉम्पोनेंट को हमें नॉन करंट असेट की तरह रिकॉर्ड करना होता है। इसके अंदर एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है, लेट्स से उसकी लाइफ है 15 साल, वैसे एयरक्राफ्ट का इंजन एक सब्सटेंशियल कॉम्पोनेंट है, लाइफ 20 साल है। और वैसे ही एयरक्राफ्ट का इंटीरियर भी सस्ता नहीं होता, और उसकी भी एक अपनी यूजफुल लाइफ है, लेट्स से 7 ईयर्स। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। डेप्रिसिएशन का मेथड जो है उस एसेट के यूज के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, चेंज इन मेथड को चेंज इन एस्टिमेट की तरह ट्रीट किया जाता है, मगर इसे अलाउ करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक फेयरर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी इस चेंज की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि भाई अगर आपको ऐसे IAS और IFRS या फिर NDAS की डिटेल वीडियोस चाहिए जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखेंगे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप डाउनलोड कर लें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। फिलहाल आप ये वीडियो कंटिन्यू करें। लेट्स टॉक अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट असेट्स। पहला मेथड है कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर असेट को कैरी किया जाता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरा मेथड है जिसके अंदर असेट को कैरी किया जाता है फेयर वैल्यू के ऊपर, इसे बोलते हैं हम रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड का ये फंडा है
कि हम एक नॉन करंट एसेट को इस फ्रीक्वेंसी से रिवैल्यूएट करें ताकि वो फेयर वैल्यू से सब्सटेंशियली दूर ना हो। और दूसरी बात, जब भी हम रिवैल्यू करते हैं तो पूरे क्लास ऑफ असेट्स को हमें रिवैल्यू करना होता है। जो भी असेट की कैरिंग वैल्यू है फेयर वैल्यू में से माइनस कर दी जाती है, और जो भी अमाउंट डिफरेंस हमारा निकल कर आता है इससे क्रिएट होता है हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है इसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ट्रांसफर हम कर देते हैं और ऐड कर देते हैं एग्जिस्टिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। इंपेयरमेंट के उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, बट फिलहाल इतना समझ लें कि असेट की वैल्यू कम हो रही है। जब भी ऐसा होता है तो जो भी डिफरेंस है हम तुरंत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर ये एसेट प्रीवियसली रिवैल्यू किया गया तो इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कुछ अमाउंट पड़ा होगा। इंपेयरमेंट का जो भी अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से आप एडजस्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो इस बचे हुए अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जब भी हम रिवैल्यूड एसेट किए उसे हम डेप्रिसिएट करते हैं दोबारा से। ऐसे केस में जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन है उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए अब आखिरी बात हम करते हैं डिस्पोजल की। तो ये बात तो क्लियर है कि गेन हो या लॉस हो डिस्पोजल के ऊपर वो आप तुरंत ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। रिवैल्यूड एसेट का अगर आप डिस्पोजल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी पड़ा है उसे आपको ट्रांसफर करना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर। आई होप ये 5 मिनट की शॉर्ट समरी वीडियो आई है 16 की आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस जो मैं हर फ्राइडे को बनाता हूं आपको उसके अपडेट मिलते रहें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए आपके सीए गौरव सर, आपको नेक्स्ट वीडियो में।